हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं ईक्सिगो लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इस आईपीओ का कल है लास्ट डे, तो क्या हमें लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डे टू तक जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो कैसा है, क्या वो सेफ है या नहीं है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और ओवरऑल सिनेरियो करंट मार्केट सिचुएशन में क्या है, इस आईपीओ में जाना सेफ है या रिस्की है, और अगर जो सेफ्टी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बस आपको करनी है दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके, दूसरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए जहां पे आपको रेगुलरली इस तरह की बढ़िया गेन वाला लेवल देखने को मिल जाता है। आज के दिन नहीं दिया बिकॉज ट्रैवल की वजह से बहुत टायर्ड था, एकदम हिम्मत ही नहीं थी, ठीक है। अदरवाइज पूरा आप देख सकते हो हर एक दिन कुछ ना कुछ जैकपॉट गेन के साथ साथ स्विंग लेवल, शॉर्ट टर्म लेवल बहुत कुछ देखने को मिला है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नंबर एक पे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, नंबर दो पे न्यूज चैनल का, नंबर तीन पे इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो गाइस वापस आते हैं और बात कर लेते हैं ईक्सिगो आईपीओ बेसिक डिटेल्स के बारे में, फिर हम लास्ट में सारा कुछ देख के और डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए। तो आईपीओ 10th ऑफ जून को बन हुआ था, डिटेल रवि वीडियो आपने आई होप देख ली होगी, हमने टाइम से दे दिया था आपको। 12th ऑफ जून को क्लोज होगा, 13th ऑफ जून को इसकी अलॉटमेंट डेट, 18th ऑफ जून को इसकी लिस्टिंग डेट। जो प्राइस बैंड है वो 93 रुपीज का है, बट यह एक की फेस वैल्यू पे स्टैंडर्ड फेस वैल्यू नहीं है, यानी कि स्प्लिट हुआ है, ठीक है। इसका साइज 740.14 करोड़ का है, यानी कि बहुत बड़ा साइज नहीं है, छोटी कैटेगरी में ही मान के इसको चल सकते हैं, और इसमें भी फ्रेश इशू है सिर्फ 120 करोड़ का, बाकी बचा हुआ पैसा ओएफएस यानी कि ओएफएस बहुत ज्यादा है। रिटेलर्स के कोटे की बात करें 10% का कोटा है, रजिस्ट्रार लिंकेड नेम है इस कंपनी का, 10% कोटे में अराउंड 49,421 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं रिटेलर्स के लिए, 1765 स्मॉल एचएनआई के लिए और 3531 बिग एचएनआई के लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। तो ये कोई इसकी बेसिक डिटेल्स। अब हम कंपनी की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर जो आपने डिटेल रिव्यू वीडियो देखी है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट अगर जो नहीं देखी है तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर जो इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं उसको डिटेल में आपको समझना, मतलब सही तरीके से समझना कि चल क्या रहा है, तो आप डिटेल रिव्यू वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपका जो डिसीजन है वो ज्यादा सही रहने वाला है, ठीक है। डिटेल रिव्यू वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो गाइस ईक्सिगो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम होटल, फ्लाइट, ट्रेन, बसेस बुक कर सकते हैं, अपना पूरा ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये ईक्सिगो सिर्फ एक ही ऐप नहीं है, इसके अलावा से और भी कई सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू ये बिजनेस करता है। अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट भी बना रहा है, अच्छा खासा कंपनी के पास एसेट भी है और सारी चीजें ठीक है। कंपनी के पास बोरोइंग है, बट बोरोइंग का बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया करता दिख सकता है। जो करंट में सिनेरियो है वो भी ठीक है, जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी बढ़िया है, ठीक है। बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे लॉस था, ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं, लेकिन अच्छा है, बढ़िया कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा डेटा हमारे पास और होता 2-3 क्वार्टर का तो थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट इस पे हम कर पाते, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है यहाँ पे वो ओके ओके और बढ़िया कह सकते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग तोड़ू फोड़ू नहीं कह सकते। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस बैंड है, ठीक है, प्राइस बैंड स्लाइटली आपको महंगा लगेगा जब आप डिटेल वीडियो देखोगे, वो भी एक परेशानी है, क्योंकि 93 रुपीज का प्राइस तो है बट एक की फेस वैल्यू पे है भाई, मतलब अगर जो ये स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे देखोगे तो 930 रुपए का प्राइस है। अब 930 रुपए वाला प्राइस को इन्होंने स्प्लिट कर दिया तो वो 93 का हो गया है, ठीक है। अब स्प्लिट के बारे में आपको नहीं पता है तो बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे फाइंड करके, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल चीजें जो हैं वो बढ़िया कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मैंने अभी आपको बता ही दी है। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें तो 9.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, और ये डेटा है डे टू के क्लोजिंग का है, यानी कि 10 और 11 का है, ठीक है। इसका जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो मुझे लगता है बहुत आउटस्टैंडिंग या बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ओके ओके कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आपको बता दूं कि यही वो न्यूज चैनल जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि नंबर 2 पे लिंक है, ज्वाइन कर लेना, नंबर 1 पे जहां सारी कॉल आती है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। आपको इस चैनल पे इस तरीके से हर एक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, रिफाइंड न्यूज मिल जाती है, अपकमिंग आईपीओ की डिटेल, जीएमपी, हर एक चीज, ठीक है। ये न्यूज चैनल जरूर ज्वाइन करना, नंबर 1 वाला चैनल भी। तो यहां पे गाइस रिटेलर्स ने 18.93 टाइम कर दिया है, जिसके हिसाब से 1,400.15 करोड़ रुपीज डाला गया है। एचएनआई की बात करें कलेक्टिवली तो 20.21 टाइम डाला गया है, 2,243.51 करोड़ रुपीज। एचएनआई की बात करें कलेक्टिवली तो 20.21 टाइम डाला गया, जिसके हिसाब से 2,243.51 करोड़ रुपीज डाला गया, ठीक है। यहाँ पे क्यूआईबीज की बात है तो क्यूआईबीज ने भी अपना कोटा फुल भी नहीं किया, 0.79 टाइम किया है और इसके हिसाब से 175.91 करोड़ रुपीज डाला गया। तो यहाँ पे गाइस मैंने अभी अभी आपको बोला है कि बहुत आउटस्टैंडिंग डेटा भी नहीं है, क्योंकि 740-750 करोड़ का आईपीओ कोई बहुत बड़ा साइज नहीं है, 1200-1300 करोड़ का आईपीओ होता और 9-10 गुना सब्सक्राइब होता तो मान लेता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं हुआ, अभी क्यूआईबीज का भी पेंडिंग है। तो फिलहाल जो लोग अग्रेसिव है, जो लोग मतलब थोड़ा बहुत
रिस्क ले सकते हैं। उनके लिए आईपीओ ठीक है, मतलब छोटी मोटी लिस्टिंग ही थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, वो जा सकते हैं। बट अगर जो आपको सेफ्टी पॉइंट चाहिए तो मुझे लगता है आपको 2 बजे तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, और थोड़ा लेट जाओ तो ही ठीक है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि आप 3 बजे अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा आईपीओ, डे वन पे करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मोस्टली लास्ट डे अप्लाई करता हूँ, और बहुत सारे मेंबर लास्ट डे अप्लाई करते हैं, सबको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन डेटा होगा साइज के हिसाब से एटलीस्ट 30-35 टाइम अगर जो हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेफ्टी आ जाने वाली है, और इससे ज्यादा हो जाता है मतलब 35-40-45 तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एक फाइनल डिसीजन वीडियो देता हूँ 2 बजे दोपहर के, तो वो वाली वीडियो देख लोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें हम सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जिनका पहला आईपीओ, जो एकदम से नया है, जो एकदम मार्केट में नए हैं या प्ले करना चाहते हैं, उनके लिए, ठीक है। फिलहाल गाइस मैं यही बोलूंगा कि रुक के अप्लाई करना ज्यादा ठीक रहेगा, सिनेरियो जो है वो इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि इसमें सेफ्टी से पैसा बने, ठीक है। अब बचा ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाजन गेन को इंडिकेट करता है, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, वो उल्टा भी पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके भरोसे आप ना लगाए, मैं तो यही बोलूंगा, बाकी आपकी अपनी खुद की मर्जी है। तो जो जीएमपी है इस आईपीओ करंट में वो हमें बढ़ता दिखा है, अभी जो जीएमपी 34-35 रुपए के आसपास कही गई, 36 रुपए तक की डिमांड भी है, जिसके हिसाब से अराउंड 37-38% का गेन अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो जीएमपी के हिसाब से चीजें सही चल रही हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, पता चला मार्केट कहीं इधर उधर हुआ, अच्छी सब्सक्रिप्शन डेटा नहीं हुई, तो ऐसे में ये 10%, 5% या 0 भी हो जाता है। तो अब आपका क्या है डिसीजन, आप क्या करने वाले हो, कमेंट करके बताना जरूर, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते हुए प्लीज टेल दिस टू वेली एंड बाय फॉर नाउ।